हिमाद्री के 4 तारीख से पेपर है, 4 नवंबर से असेसमेंट है। मैं उसे ईवीएस पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट पेपर ईवीएस का है, और उसे थकान लग रही है, 3 बार पानी पी चुकी है, गला सूख जा रहा है बोल बोल करके। अब क्यों इसकी स्पेलिंग्स भी आएंगी, स्पेलिंग्स मैडम को आती नहीं है, फिर 0 नंबर लेके आएंगे, है ना। तो पढ़ाई चल रही है हिमाद्री की ईवीएस की। और ये दोनों देखिए अभी तक सो रहे हैं, और ये गर्ल थोड़ी सी आंखें खोल के सोता है, मेरी भी आंखें खोल के सोने की आदत है। अभी जगे होते तो दोनों लड़ रहे होते कि तूने मेरे कमर में हाथ कैसे रख दिया, और नींद में इन्हें पता भी नहीं है कि हम लोग कैसे सो रहे हैं। एक दिन की छुट्टी और बची है सोने के लिए, फिर तो उठना ही पड़ेगा, अभी बस में होते। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। आप सभी को गोवर्धन और भैया दूज दोनों की शुभकामनाएं, क्योंकि इस बार त्यौहार कुछ अलग से पड़े हैं। कल सूर्य ग्रहण था इसलिए शाम से गोवर्धन शुरू हो गया, सिर्फ आज 9 या 9:30 बजे तक है, और उसके बाद दिन के बाद से भैया दूज लग रहा है जो कल तक है। तो इस बार त्यौहार हाफ डे इधर हाफ डे उधर इस तरीके से हो रहे हैं। और आज मेरे ददिया ससुर का श्राद्ध भी है, तो मम्मी जी नहा धो करके खाना बनाने में लगी हुई है। मैंने अभी नहीं नहाया है, मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है, अब मैं पोछा लगाती हूँ, पहले बाहर धोऊंगी, उसके बाद मैं स्नान करूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने में। खाना बनाने में थोड़ी मैं कामचोर हुई, मैं खाना बनाना उतना पसंद नहीं करती, अब खाना बनाना पड़ता है इसलिए मैं बनाती हूँ। इस मामले में मैं सुगृहिणी नहीं हूँ, खाने बनाने में कुगृहिणी हूँ। लोग बहुत पसंद करते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता खाना बनाना, लेकिन बनाना पड़ता ही है। शाम का मैं बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, सुबह मुझे लगता है मैं पहले सफाई कर लूँ, मुझे सफाई करनी ज़्यादा पसंद है, घर की डेकोरेट करना ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि सबके अपने अलग अलग शौक होते हैं। तो बस, और इसके साथ मैं अपना डिनर रूटीन कल का शेयर करूँगी। मैंने मेथी मटर मलाई बनाई थी, तो कुछ मेरी फ्रेंड्स ने कहा था मुझसे कि आप इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा, तो मैं इसकी रेसिपी भी इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी। और आज श्राद्ध में क्या क्या खाना बन रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और क्लीनिंग रूटीन कोई शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही करा था। फ्रेंड्स, मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी के लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और ये देखिए जो मेथी है लगभग ये 1 गड्डी होगी या 1.5 गड्डी के आसपास होगी, उसे अच्छे से धो लिया और स्मॉल काट लिया है, थोड़ा सा तेल लिया है, और उसे अच्छे से हम मेथी को फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए काफ़ी फ्राई हो गई है, ये ऐसी थोड़ा सा मतलब अंदाजा आ ही जाता है, थोड़ी सी मतलब इतना फ्राई कर देते हैं कि थोड़ी सी जो इसकी मात्रा है वो क्वांटिटी कम हो जाती है। इधर मैंने थोड़ी सी मटर ली है, लगभग 1/4 कप के आसपास बॉईल कर रही हूँ। इधर मैंने 1 लहसुन की गांठ पूरी और लगभग थोड़ा सा टुकड़ा अदरक और 3-4 लौंगे डाल के उन्हें पीस लिया है। और इधर देखिए मेथी काफ़ी कम रह गई है, ये पीस लिया है। उधर फिर से मैं ऑयल डालूँगी, थोड़ा ऑयल तो इसमें लगता ही है, और थोड़ा सा जीरा डाला 1/2 चम्मच के आसपास, आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग डालेंगे। और जो ये मसाला है इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। उधर दूसरी गैस में जो मटर है वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है, और ये मसाला अच्छे से भून गया है, क्योंकि मैं हर पूरा भूनते हुए दिखाती तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। भून गया था अच्छे से, तो और मैंने कम से कम 3 टमाटर मीडियम साइज के पीसे हैं, और इसमें टमाटर डाल दिए और इन्हें अच्छे से मैं भून रही हूँ। बहुत से लोग तो इतना भूनते हैं कि ऑयल सा निकलने लगता है, लेकिन देखिए ऑयल दिख रहा होगा आपको, होने लगा है, छोड़ दिया है मसाले ने। और थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा सब्जी मसाला या किचन किंग जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल दीजिए। तो मैंने ये 3 मसाले डाल दिए हैं अच्छे से, और इन्हें फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, और चाहें तो अमूल क्रीम या कोई और क्रीम हो वो भी ले सकते हैं मेरे पास, क्योंकि हमारे 3 से 4 लीटर दूध आता है तो मलाई अच्छी खासी निकल जाती है, और पहले की भी रखी हुई थी 1 दिन पहले की भी, तो देखिए अच्छी खासी गाढ़ी मलाई निकलती है। तो मैं जो फ्रेश मलाई है दूध में से निकाल के इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि क्रीमी क्रीमी सा टेक्स्चर इसका बहुत अच्छा लगता है, स्वाद ही मेथी मटर मलाई में क्रीमी टेक्स्चर के कारण ही अच्छा आता है। तो देखिए मैंने इतनी मलाई डाल दी है, और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हम लोग टाटा नमक यूज़ नहीं करते हैं, बीपी हाई प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग सेना नमक प्रयोग करते हैं,
कभी मेरा मन करता है तो मैं अलग से नमक डाल देती हूँ, कोई अलग से बच्चों के लिए रेसिपी बना रही हूँ, वरना हम सादा नमक ही डालते हैं। और ये देखिए, इसमें मैंने मेथी भी डाल दी है और मलाई भी डाल दी है, और ये अच्छे सब्जी बन चुकी है। और गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से मलाई और ऐड कर सकते हैं। मेरे पास धनिया नहीं था, अगर आपके पास धनिया है तो ऊपर से धनिया डाल दीजिएगा, इससे लुक भी अच्छा लगेगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने मेथी मटर मलाई की सब्जी बना दी है, थोड़ी सी स्पून में निकाली है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा टेक्सचर होता है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, क्रीमी क्रीमी। तो बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मेथी मटर मलाई। थोड़ी वो सब्जी क्रीमी सी हो गई है तो पापा जी उसे ना के बराबर ही लेंगे, तो इसलिए मैं गोभी और शिमला मिर्च मिक्स सब्जी बना रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला है। हिमाती तैयार हो गई है और हिमाती ने आज भी न्यू ड्रेस पहनी है, कल भी न्यू ड्रेस पहनी थी। ये देखिए हिमाती की थोड़ी शॉर्ट केपरी टाइप और ये शॉर्ट टॉप, और पूरी और बड़े खा रही। हिमाती को भूख लग गई है। मैं भी तैयार हो गई हूँ, आज मैंने मिंत्रा ड्रेस पहनी है, मिंत्रा फ्रॉक। अभी शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने, सेटन टाइप का कपड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ सा है, फैब्रिक है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व की पसंद है, उसने कहा था मम्मी लो, तो मैंने उसकी पसंद कर लिया। और मैचिंग ये इयररिंग्स ग्रीन कलर की डाली है। अब मेरे पास इस टाइप की हैंगिंग वाली तो बहुत सारी हो गई, लेकिन स्कूल जाने के लिए मेरे पास इयररिंग्स नहीं है, छोटी छोटी तो एक दो हैं बस, मैं वही पहन के जाती हूँ, मुझे उसकी भी शॉपिंग करनी पड़ेगी। बस लास्ट कपड़े स्पिन हो रहे हैं, खाना पूरा बन चुका है श्राद्ध का, गऊ माता के लिए निकल चुका है और अब वेट हो रहा है शायद बुआ जी या फूफा जी में से जो आएंगे उनके लिए, और ताऊ जी के लिए खाना जाएगा। तो फिर अभी मैं जाती हूँ किचन में, पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ या फिर ऊपर जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि खाने में क्या क्या बनाया है। खाने में मम्मी जी ने बनाया है खीरे का रायता, दाल मखनी, चावल की खीर जो श्राद्ध में बनता ही बनता है, इसके अलावा शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाई है, थोड़ी पूरी बड़े भी बना रखे हैं, और चावल तो होता ही होता है, और इधर मम्मी जी बना रही हैं रोटियां, मिस्टर प्रदीप पंत खाना खा रहे हैं। गर्व ने खाना खा लिया, हिमादी ने पूरी बड़ा खाया, मिस्टर प्रदीप पंत ने खा लिया है, भैया खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ, थोड़ा सा लेकर के आई हूँ अपने लिए प्लेट में, मिक्स करके रायता, दाल मखनी, चावल, थोड़ी सी सब्जी, सब एक ही में भात जैसा मतलब ले आई। और फूफा जी अभी तक नहीं आए हैं, मेरे मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं खा रखा है। अब बुआ जी की शायद तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ रही हैं, फूफा जी आएंगे तो वो लोग जब खाएंगे, हम तो भैया खा लेते हैं, हम लोग पेट उमल ठहरे, थकान लग जाती है और भूख लग जाती है, चाय के सुबह चाय पी थी, 11 बज चुके हैं तो मन कर रहा था तो मैं तो खा रही हूँ। और आटा भी थोड़ा सा गूंदना था, गूंद दिया, और कपड़े हाँ एक बार के डालने रह गए हैं, स्पिन मतलब कर दिए थे मैंने, वो ऊपर आ गई थी इनको खिलाने के लिए, मम्मी जी रोटियां बना रही थी और मैंने उनको सर्व कर दिया। तो बस इतना काम हम लोगों का निपट गया है, जाने का तो कहीं मन नहीं कर रहा, अब देखते हैं कहीं जाएंगे जाएंगे वरना घर पे ही रहेंगे। इस बार सोचा था, पहले मन कर रहा था रामनगर चले जाऊँ, फिर मैंने कहा चलो कभी और जाऊँगी, मन नहीं कर रहा जाने का वहाँ पर भी, वहाँ भी सफाई कितना गंदा हो रहा होगा, फिर सफाई में लगना पड़ेगा, दो दिन ऐसी सफाई करते करते निकल जाएंगे, तो उससे अच्छा है ना ही जाओ, ऐसे ही होता है धीरे धीरे, कहीं जाने का मन नहीं करता। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आपको और आपके समस्त परिवार को गोवर्धन एंड भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। अब पाठक जी आ गए हैं, मतलब फूफा जी आ गए हैं, और वो लोग खाना खा रहे हैं, पापा जी, मम्मी जी, और मैंने रसोई साफ कर दिया है, बस निपटता है तो फिर शिफ्ट कर दूँगी, तब तक बसंती आ जाएगी। वैसे मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया, क्योंकि उसकी सास की तबीयत खराब है, तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो हो सकता है वो ना आए, मैंने कॉल भी नहीं करी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सफाई कर दे रही हूँ कि एकदम लोड सा ना पड़े, क्योंकि जब छुट्टी है तो करा जा सकता है, वरना फिर ना एकदम 2-3 बजे काम करो ना, बड़ा अजीब सा लगता है, मन नहीं करता, और पता नहीं और दिन चाहे नींद आए नहीं आए, उस दिन ज़रूर नींद आने लगती है। मैं बच्चे शायद बाहर खेल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं बाहर धो देती हूँ, वो बाहर ऐसे खेलते रहते हैं, इसलिए मैं धोती भी हूँ, बाहर की डस्ट आ जाती है, ऊपर से पॉल्यूशन इस समय हो ही रहा है कि क्रैकर्स क्रैक है, हम ही पॉल्यूशन फैलाते हैं, क्रैकर्स क्रैक करके औरों के लिए क्या कह रहे हैं, मेरे ही बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैकर्स क्रैक कर रहे हैं इस बार, और बार इतना नहीं करते थे लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो बस फिर अब कुछ दिखता है नया कुछ करती हूँ तो
आपके साथ शेयर करूंगी। और वैसे ही मैं अब सोच रही हूँ मैं अब ब्लॉग बनाने ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग देखना कोई पसंद नहीं करता है मेरे, ज़्यादातर पार्लर वीडियो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो पार्लर वीडियो या जो स्किन के लिए स्किन केयरिंग रेमेडीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। और अगर ब्लॉग का मन करेगा तो मैं जो सेकेंड चैनल है मेरा उत्तराखंड डीपी, या तो उसका नाम चेंज कर दूँगी कुछ, उसी के साथ कुछ अटैच कर दूँगी, जैसे इसमें मैंने रामनगर दीपिकास फैमिली ब्यूटी एंड ब्लॉग्स कर दिया है, तो कुछ चेंज कर दूँगी और फिर आपके साथ उसमें ब्लॉग शेयर करा करूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल डेड सा हो गया चैनल। वीडियोस बहुत कम डालती हूँ, मैं भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, जब मैं ही नहीं दे पा रही हूँ टाइम तो और मुझे कोई समय नहीं था। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।